लगातार राजस्थान में जिस तरीके से गहलोत कह रहे हैं और वो उनके 90 से लेकर 92 उनके जो विधायक हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, कह रहे हमारे सीएम जो हैं वो गहलोत हैं, हमें पता नहीं पार्टी का अध्यक्ष कौन बने लेकिन सीएम हमारे गहलोत ही रहेंगे। देखिए, सबको अपनी सत्ता की हनक चाहिए, चाशनी चाहिए। अध्यक्ष पद में क्या है, 24 में जीतना नहीं है ना 29 में जीतना है, ये तो सबको मालूम है। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में क्या जाता, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ एमएलए का पर्चा 50,000 दे के। तो वहाँ पे सचिन पायलट जो युवा यूथ है, अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो हमें लगता है राजस्थान से कांग्रेस गायब हो जाएगी। 20-25 सीटों में सिमटेगी अगली बार, 15-20 सीटों में। गहलोत तो कह रहे हैं कि मेरी वजह से कांग्रेस आई है, वरना क्या अस्तित्व था यहाँ पर कांग्रेस का। गलत गलत गलत। डंडा प्रशासन के सचिन ने खाए, आंदोलन सचिन ने किया, किसानों की बात सचिन ने उठाई, हॉस्पिटल में बच्चे मर रहे थे सचिन ने किया। यहाँ इन लोगों की टकरार कहाँ पे हुई, टकरार ये हुई जब वहाँ पे शिशु बच्चे 150 से ज़्यादा दम तोड़ दिए एक हॉस्पिटल में। तो सचिन पायलट का सत्ता में हमें जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। यही बात अशोक गहलोत को खल गई क्योंकि वो सीएम थे। उन्होंने कहा कि ये हमारे होते हुए बोल ले, लेकिन सचिन पायलट का भाई सरकार में हम है, बीजेपी थी जब उसने काम किया, नहीं किया वो अलग की बात है, नहीं किया इसीलिए हम आए। तो अभी जिम्मेदारी हमारी है। उसी बात को लेके इसके खेमे में दो धड़ हो गए। दो धड़ के बाद में सचिन पायलट भागे भी थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है विधायक नहीं थे। तो अगर सचिन पायलट को कांग्रेस सीएम नहीं बनाती है और बीजेपी में पक्का भगेंगे, क्योंकि एक उनका दोस्त इधर बैठा है सिंधिया। यूथ कांग्रेस खाली हो जाएगी यूथ से। सचिन पायलट जैसा हमें लगता है विपक्ष के पास एक परिपक्व नेता है। लेकिन 90 से और 92 ऐसे विधायक हैं जो लगातार गहलोत का पक्ष करते नजर आ रहे हैं और उनसे मीडिया ने बात भी करी है। वो यही कह रहे हैं कि जो हाईकमान तय करेगा उस पर ही हम अमल करेंगे और जो हमारे सीएम हैं वो अशोक गहलोत ही रहेंगे। जो सचिन पायलट हैं इन्होंने पहले भी पार्टी तोड़ने की कोशिश करी थी, यहाँ पर सियासत करने की कोशिश की थी। देखिए, सचिन पायलट ने तोड़ने को जोड़ा भी तो सचिन पायलट ने था, मेहनत तो सचिन पायलट ने की थी, अध्यक्ष वो थे राजस्थान के, मेहनत उन्होंने की, सत्ता में वापसी सचिन पायलट ने की। वो तो वसुंधरा राजे के बीजेपी की तरफ से थी, नहीं तो सचिन बोल लेते इंटरव्यू देखो इंडिया टीवी में सचिन पायलट का, अगर वसुंधरा राजे बीजेपी की तरफ से सीएम की दावेदार नहीं होती तो हो सकता हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। लेकिन बीजेपी ने वसुंधरा राजे को घोषित कर दिया, जनता वसुंधरा से नाराज थी, आसानी से चुनाव जीत गए। अगर वही यहाँ पे सिचुएशन बनती सचिन पायलट कहीं बीजेपी में जाते हैं तो वो वोट जाट वोट बैंक है गुज्जर है, वो खिसक के जाएगा बीजेपी की तरफ। अच्छा। और जो राह बचा है वो केजरीवाल में सरक जाएगा जो दिल्ली बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर पे है। वो वोट की भरपाई कांग्रेस नहीं कर पाएगी। सचिन को इन्हें जो हाई कमान है वो सचिन को सीएम बनाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। अशोक को बना दो अध्यक्ष, अशोक है चारे के अध्यक्ष भी रहे सीएम भी रहे, क्योंकि सत्ता की जो लूट खसोट है। दूसरी चीज, वहां पे गलाकाट गैंग का पूरा सपोर्ट अशोक गहलोत करता है। अशोक गहलोत तो ये कह रहे हैं कि जनता ने मुझे चुना है, जनता के लिए मैं लगातार काम करता आया हूं, मैं अब कैसे पद छोड़ दूं, मुझे जनता की सेवा करना है, जो वादे किए हुए हैं वो भी तो पूरे करने हैं। साहब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, चेहरे की दिखाई किसी और की हुई, लड़की कोई और देखी गई, जब विदाई का टाइम आया उसे पालकी में किसी और को बैठा दिया गया। चेहरा तो सचिन पायलट का पेश किया गया था ना सीएम के दावेदार पे, फिर अशोक गहलोत कैसे बन गए? तो वही तो जनता के साथ हुआ, जनता ने इन्हें नहीं चुना, जनता ने सचिन पायलट को चुना। जब सचिन पायलट को चुना तो फिर ये सीएम क्यों बने? क्योंकि ये चपरासी थे, कमलनाथ ड्राइवर थे, ऐसे ही लोग सीएम बनेंगे क्या? जो यूथ लड़ेगा, जमीनी स्तर पे डंडा खाएगा, कार्यकर्ता पब्लिक को हर मुद्दे पे सफाई देता, समझाता है, गाली भी खाता है, जरूरत पड़ी तो पब्लिक डंडे भी चलाती है। अरे डिप्टी सीएम बनाया तो था सचिन पायलट को, नहीं डिप्टी सीएम क्यों? जब यूथ ने मेहनत की है डिप्टी सीएम क्यों? ये क्यों बनेंगे? इन्हें सेंट्रल में क्यों नहीं ले आ रहे, अपनी कमेटी में शामिल करें क्यों नहीं ले आ रहे? लेकिन समस्या है अध्यक्ष की, माँ बेटे और बेटी वो इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब ये विचार करने पर मजबूर है, इन्हें लगता है कि हमें अपना वर्चस्व बचाना, जीतने की तो दूर दूर की बात ही नहीं है, लेकिन इन्हें लगता है कि हम विपक्ष में बने रहें। ये विपक्ष में बने रहने के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता में आने के लिए नहीं। सत्ता में तो दूर दूर की बात ही मत करो 10-15 साल। जब तक इनकी विचारधारा और नेतृत्व सशक्त करता नहीं आएगा कुछ नहीं हो सकता है। जब तक देश के टुकड़ों गैंग के साथ खड़े होंगे, नारे लगाएंगे, कन्हैया जैसे इनके युवा यूथ होगी तो कुछ नहीं हो सकता। हमें लगता है कन्हैया जैसे लोगों को निकाल के राहुल गांधी माफी मांगे, युवा यूथ
सचिन पायलट को आगे बढ़ाएं, तभी कुछ हो सकता है, वो भी 10-15 साल में। लगातार जिस तरीके की बातचीत अभी चल रही है राजस्थान में, सियासत चली हुई है, अब 90 से 92 विधायक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर हमारे सीएम को गहलोत ना रहे, तो ये किस तरीके की सियासत आपको लग रही है? अगर ये सब कुछ हो गया, वही सीएम रहे, तो फिर सचिन पायलट को कहां जाना चाहिए? सचिन पायलट, नाम क्या है इनका? सचिन पायलट। पायलट को क्या जरूरत होता, प्लेन या शिप? पायलट दो होते हैं, जो जहाज होता है युद्ध पोतक जहाज, उसका पायलट होता है, प्लेन का होता है। तो जो पायलट को जिस शिप की जरूरत है, बीजेपी है, कांग्रेस सचिन पायलट के लिए नहीं है, वो स्त्री नहीं है। उन्हें पहले भी ऑफर किया गया था, फिर ऑफर किया जाता है, जहाँ पे आपकी इज्जत ना हो वहाँ से हटना ही बेहतर है। एक बार दो बार कब तक वहाँ पे जलील होते रहेंगे? और युवा यूथ है, युवा यूथ ऐसा नहीं है, हेमंत विश्व शर्मा डॉक्टर कहीं भी बैठ सकता, अच्छा डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि एम्स में भी हो, अच्छा डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मिल सकता है, अच्छा डॉक्टर। हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में आ गया, अब वो बीजेपी से ज्यादा साबित करने पे लगा हुआ है, तो ऐसा अच्छा डॉक्टर एक और है कांग्रेस में, वो है सचिन पायलट, उसकी बीजेपी को जरूरत है, और सचिन पायलट को बीजेपी में आ जाना चाहिए। लगातार जिस तरीके से उनके जो फादर हैं वो कट्टर कांग्रेसी रहे हैं, लगातार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, उनके देहांत के बाद में सचिन पायलट को जो है वो आना पड़ा था राजनीति में, तो कहीं ना कहीं वो सचिन पायलट के पापा की राजनीति दबती हुई नजर आ रही है, कौन कांग्रेस पार्टी दबाती नजर आ रही है? कांग्रेस ने तो दबाया, सचिन पायलट, माधवराव सिंधिया, इनकी हत्या किसने कराई थी भाई? जो सचिन पायलट के कौन इसके पीछे था हाथ के? संजय गांधी किसने हत्या कराई? ये पॉलिटिकल के पीछे कितने लोगों की हत्या कराई गई? सारा कौन है? सारा अमर अब्दुल्ला, उनकी बहन है, फारूक अब्दुल्ला की बेटी, इसीलिए इन्हें एजेंडे में फंसा गया कि पार्टी से आउट लाइन में ना चले जाएं। घर में एक बेदी रखा गया, बेदी जानते हो ना, इसीलिए सारा के साथ इनका लव मैरिज करा के सचिन पायलट को कांग्रेस में बंधक बना के रखा गया, इसीलिए सचिन पायलट को यहाँ पे जरूरत है। और हमें लगता है कि कांग्रेस में दो गैंग नहीं हो सकते, युवा यूथ में दो गैंग है, एक टुकड़े टुकड़े वाला है, उसके साथ राहुल गांधी खड़े हैं, एक युवा यूथ है जो कांग्रेस के लिए नहीं राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, राष्ट्र के लिए सचिन पायलट जैसे लोग। तो हमें लगता है युवा यूथ में भी दो धड़ हैं, और युवा यूथ में तो फिर हमें लगता है कांग्रेस का पतन है, वो तो हो ही चुका है, किनारे लगे हैं, हो सकता विनाश काले विपरीत बद्दी। जो विधायक गहलोत का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, उनको कैसे देख रहे हैं आप, कि क्या किस वजह से वो गहलोत का समर्थन करते नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर सचिन पायलट को ही नहीं देते हैं, आने वाले टाइम में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। गहलोत के रहते हुए ISI का जोधपुर में चौराहे पे ISI का झंडा फहराया गया, जब वहाँ पे रामनवमी में हमारे लोग हिंदू लोग निकले यात्रा लेके, वहाँ पे जिहादी ने बेल बजा बजा के हिंदुओं को बाहर निकाल के पीटा। अलवर में जिस तरीके से मंदिर तोड़ा गया, कन्हैया कुमार की हत्या की गई, सरकार नपुंसक बन के सोती रही, ऐसी सरकार अशोक गहलोत की हमें नहीं चाहिए। हो सकता सचिन पायलट होता, ऐसा नहीं होता। सचिन पायलट होते, जब शिशुओं की मृत्यु दर बढ़ गई उस हॉस्पिटल में, 150 बच्चे मरे 15 दिन के अंदर। लगातार ये जो सचिन पायलट हैं, ये गुर्जर समाज से आते हैं, तो गुर्जर समाज के लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है इस तरीके का? देखो, हम गुर्जर समाज को नहीं देखते, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये जाट गुर्जर हिंदू इसे अपना ब्राह्मण ठाकुर हमें नहीं मानते, हम हैं हिंदू। तो हम ये कहते हैं किसी को दबाने की कोशिश नहीं है। ऑफर जयंत चौधरी को भी किया गया था, आप आइए, आपके लिए गेट खुला है। ऑफर सचिन पायलट के भी लिए है, और भाजपा में जो यूथ है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। हाँ, बीजेपी में कहीं गलती हुई है, उस पर हमने भी नाराजगी जताई है, जैसा बंगाल में हुआ, बंगाल में यूथ ने मेहनत की, घर घर पे बंगाल में यूथ हमारी गई, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में यूथ के साथ मारकाट हुई, बराबर वहाँ पे जिहादी गला काट रहे हैं, आए दिन 150 से 200 कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं बंगाल के अंदर, वो तो रिटर्न में पेपर में न्यूज पेपर में 2-3 दिखाई देते हैं, भाजपा ने उन्हें छोड़ दिया, अटैची लेके केंद्र में बैठ गए आके। यही सचिन पायलट ने कहा था कि भाई बीजेपी वाले अटैची लेके आएंगे, 15 दिन में बस गिद्ध जैसा नाच नाचेंगे चले जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। राजस्थान में डेरा डालना शुरू कर दो, गुजरात के इलेक्शन होने के बाद तुरंत
कभी भी शांत मत बैठो, जनता पागल नहीं है, आपको काम दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं वापसी करोगे। इसीलिए हमें जरूरत है, जो नपुंसक बना रहे शराब बांट के, ऐसे सत्ता में भूखे भेड़िए नहीं आने चाहिए। कांग्रेस में लगातार गहमागहमी नजर आ रही है, उधर से वो अपना वोट कराना है उन्हें अध्यक्ष पद के लिए। सोनिया गांधी कहती नजर आ रही है कि जो भी दावेदारी करेगा वो कह रही है कि गैर गांधी परिवार का, जो भी गांधी परिवार का होगा वो अध्यक्ष नहीं बनेगा, अलग से बनाया जाएगा। उसके लिए क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको कि गांधी वाले जो लोग हैं, गांधी सरनेम वाले, वो बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखो, पहली बात तो बनेंगे नहीं, अगर बन भी गए तो कांग्रेस वापस आने वाली नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, अल्पसंख्यक आयोग और जो वक्फ बोर्ड बनाए हैं, जो बरसी पैक्ट बनाया 1951 में, जो 1951 में इन्होंने हमारे खिलाफ मंदिरों का जो पैसा टैक्स में जाएगा, अनुच्छेद 29 और 30 ए में जो इन्होंने पढ़ाया कि हिंदू अपनी गीता रामायण का सब्जेक्ट में लेसन में अपना पढ़ा नहीं सकता कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, तो ऐसा जो इन्होंने जाहिर भरा है, कांग्रेस को हिंदू स्वीकार नहीं करेगा।